गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल लप्पी की प्याली. सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो फॉर दोज हु ऑल आर न्यू टू माई चैनल, सो हाई आई एम प्याली एंड फॉर दोज हु ऑलरेडी नो मी यू आर मोस्ट वेलकम. सो हियर आई पोस्ट डी आई वाई रेमेडीज, हॉल वीडियोज एंड मेकअप वीडियोज. सो गाइज टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अ डी आई वाई रेमेडी. तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, उसमें मैंने ऑप्शन रखा था डी आई वाई फेस पैक या प्रोडक्ट रिव्यू. तो सबसे ज्यादा वोट मुझे डी आई वाई फेस पैक पे मिला. तो मैंने सोचा कि जो अपने लिए मैं यूज कर रही हूँ मैं उसी को आपके साथ शेयर कर देती. ये जो डी आई वाई फेस पैक है ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए है. कॉमन प्रॉब्लम मतलब पिंपल स्पॉट्स. सो या विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑल्सो गाइस बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में. सो यार लेट्स गो. सो गाइस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिंपल्स आते क्यों हैं. तो पिंपल्स आने के ना कई रीजंस हो सकते हैं. अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, एक्ने की प्रॉब्लम रहती है. अगर आप बहुत ज्यादा धूप में काफी देर तक बाहर हो उसकी वजह से भी आपकी स्किन पर पिंपल आ सकते हैं. तो जो सबसे कॉमन रीजन होता है पिंपल्स का वो ये कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे या मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, हम डायरेक्टली बाहर जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन पोर्स में डर्ट एंड डस्ट जो है वो स्टक हो जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं. दूसरा बड़ा रीजन गाइस, हम अपना स्किन रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने स्किन को क्लीन नहीं कर रहे, हम अपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं कर रहे, फेस वॉश ढंग से नहीं कर रहे हैं. तो पिंपल्स को अगर आपको खत्म करना है, अगर आपको उससे बचना है तो आपको अपने स्किन को क्लीन करना पड़ेगा, वीकली क्लीन करना पड़ेगा, एक्सफोलिएट करना पड़ेगा. अगर आप स्क्रब नहीं करते हो, एक्सफोलिएट नहीं करते हो अपने स्किन को तो जो भी डस्ट एंड डर्ट आपके स्किन में स्टक हो गया वो कैसे निकलेगा? वो तो रह गया ना अंदर, तो कैसे निकलेगा? वो पिंपल्स के थ्रू ही निकलेगा. वो आप अपने स्किन को बार बार टच करते हो क्योंकि बार बार हाथ लगा रहे हो, हाथों में ना जाने कितने बैक्टीरियाज होते हैं. तो बार बार हाथ नहीं लगाना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस. पिंपल्स नेचुरल है बहुत ही, इसको ऐसा नहीं कि हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, कभी आएगा ही नहीं पिंपल, ऐसा नहीं होता. बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी पिंपल्स आते हैं. पिंपल बहुत नेचुरल है, इसको हम रोक नहीं सकते. लेकिन ये पिंपल जो बार बार हमारे फेस पर आते हैं और आने के बाद जो स्पॉट छोड़ जाते हैं, हम उससे बच सकते हैं. पिंपल्स आने की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा आपकी स्किन पर कोई पिंपल आता है, देन वो पिंपल वहां से हट जाता है 3-4 दिनों में, देन नेक्स्ट उसके थोड़ा जस्ट उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक दूसरा पिंपल निकल आता है और उसके स्पॉट्स रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ही अनइवन दिखती है और बहुत ही डल हो जाती है. इसीलिए मैं आपके साथ ये फेस पैक शेयर करने वाली हूँ. इस फेस पैक को मैं पिछले 1-1.5 महीने से यूज कर रही हूँ. मुझे ऑनेस्टली काफी अच्छा रिजल्ट मिला है क्योंकि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है. इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने क्या लिया है गाइस, आपको इस फेस पैक को बनाने के लिए चाहिए सैंडलवुड पाउडर, ग्राम फ्लोर, टर्मरिक और वाटर. मैंने स्किन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सैंडलवुड पाउडर लिया है और उसमें ग्राम फ्लोर लिया है और उसमें टर्मरिक लिया है. अ पिंच ऑफ टर्मरिक, आपको बहुत कम टर्मरिक लेना है और उसमें आप चाहे तो वाटर भी मिला सकते हो, रोज वाटर भी मिला सकते हो या फिर रॉ मिल्क भी मिला सकते हो. तो अगर आपकी स्किन बहुत डल है तो आप उसमें रॉ मिल्क मिला सकते हो, रॉ मिल्क ऐड कर सकते हो, उससे आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, ग्लो आएगा. और टर्मरिक तो हर स्किन के लिए सही है, बहुत अच्छे से वो ट्रीट करता है हमारे स्किन को, एक इंस्टेंट ग्लो देता है और साथ ही साथ जो पिंपल स्पॉट्स है उसको बहुत ही जल्दी वहाँ से लाइटन अप करता है. और सैंडलवुड पाउडर जो होता है गाइस, हमें पता ही है सैंडलवुड पाउडर हमारे स्किन को बहुत ही कूल इफेक्ट देता है. और जैसे हमारे स्किन में कूल इफेक्ट जाएगा तो जो अंदर की गर्माहट है वो उसको कंट्रोल में रखेगा जिसकी वजह से पिंपल भी हमें कम आने के चांसेस होंगे. उसके बाद जो ग्राम फ्लोर है गाइस, ग्राम फ्लोर तो एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है. आप साबुन के जगह पे अगर ग्राम फ्लोर का यूज़ करते हो तो आपके स्किन में जो डर्ट एंड पॉल्यूशन होता है ना उसको ये अच्छे से खींच कर बाहर निकाल देता है, जो कि बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन पर कोई भी नुकसान भी नहीं करेगा. बट या ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ग्राम फ्लोर, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए ये और ज़्यादा ड्राई कर देता है स्किन को. अब इसको अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, 10-15 मिनट्स तक वेट करना है. 10-15 मिनट्स तक वेट करने के बाद आपको इसको जस्ट ईजिली बिल्कुल खाली पानी से आपको इसको रिमूव कर देना है, फेस वॉश कर लेना है. और ये जो फेस पैक है वो आपको वीक में आप 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हो. अगर आप पानी यूज़ नहीं करना चाहते तो रोज़ वाटर ले लो. रोज़ वाटर एंड सैंडलवुड का पाउडर आपकी ब्लेमिशेस को कम करता है, जो भी एक्ने एंड पिंपल्स की वजह से आपके फेस पे ब्लेमिशेस आ गए हैं उसको ये बहुत ही हद तक कंट्रोल में लाता है.
टर्मरिक आपके स्पॉट्स को लाइटन अप करता है। एंड गाइज आई गेस कि आपने टर्मरिक से कोई भी फेस पैक बनाकर जरूर अपने फेस पर कभी ना कभी अप्लाई किया होगा, चाहे ग्राम फ्लोर में हो चाहे राइस फ्लोर में हो, आपने टर्मरिक का इस्तेमाल जरूर किया होगा और आपको उसका रिजल्ट भी तुरंत देखने को मिला होगा। एकदम से आपके स्किन को ना बहुत ही अच्छा सा एक इफेक्ट देता है, अच्छा सा ग्लो देता है, साथ ही साथ आपके स्पॉट्स को तो लाइटन अप करता ही है। तो गाइज मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप जो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने लाइफ में कर रहे हो, आप इसको मत करो, आप अपने स्किन को अच्छे से ट्रीट करो। रोज नहीं लेकिन वीकली आप अपना एक टाइम सेट कर लो और इस फेस पैक को भी आप यूज़ करो। बहुत ही इजी फेस पैक है एंड हर स्किन टाइप के लिए है। सैंडलवुड हर स्किन को सूट करेगा, स्पेशली जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स एंड एक्ने होते हैं उसके लिए सैंडलवुड मैजिक की तरह काम करता है, बिल्कुल मैजिक की तरह, क्योंकि ठंडक पहुंचाता है। सैंडलवुड जो होता है बहुत ही ठंडा होता है, आपके स्किन को सूद करता है, बहुत ही ठंडा रखता है, आपको अंदर से कूल इफेक्ट देता है। और गाइज अगर आपकी डल स्किन है तो आप रॉ मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें, या हनी का इस्तेमाल कर सकते हो। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक कमेंट डाउन बिलो, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस DIY फेस पैक को जरूर यूज करना और आपको कैसा रिजल्ट मिला जरूर मेरे साथ शेयर करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और होम रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।